हेलो एवरीवन, आज 22 जून और 22 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेडिट बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस नाम से साल के सबसे लंबे दिन 21 जून के उपलक्ष्य में डूडल जारी किया है? 21 जून के उपलक्ष्य में डूडल जारी किया, इसका नाम है हैप्पी समर 2019। ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी समर 2019। गूगल ने अपने डूडल हैप्पी समर 2019 शीर्षक के साथ बनाया है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर मौजूद होता है। और इस स्थिति में परछाई भी कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती है। गूगल ने इस डूडल को पृथ्वी के चेहरे के रूप में चित्रित किया है जिसमें चांदी रात को भी दिखाया गया है। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा नाम से परियोजना आरंभ किया है? किस राज्य ने? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। और इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया है उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और इस योजना का नक्सल प्रभावित इलाकों तथा उन जिलों में लागू किया जाएगा जहां पर किसानों की आत्महत्या दर अधिक है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश यानी कि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। और इस अध्यादेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालय एक समान कानून से शासित होंगे सारे निजी विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल के काठमांडू घाटी तथा उसके साथ लगे कई बड़े निजी स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों के लिए कौन सा भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है मंदारिन, ऑप्शन नंबर डी मंदारिन। और नेपाल ने मंदारिन सिखाए जाने को काठमांडू में अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में मंदारिन पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन को भुगतान चीन की सरकार करेगी शिक्षकों के वेतन का भुगतान। और नेपाल के स्कूल विद्यार्थियों को विदेशी भाषा पढ़ा सकते हैं लेकिन वह इसे अनिवार्य नहीं बना सकते, लेकिन चीन के दबाव में यह निर्णय लिया गया। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे कम स्कोर अर्जित करने के बाद T20 में सबसे अधिक स्कोर अर्जित करने का रिकॉर्ड नाम किया है? इसका सही आंसर है युगांडा, ऑप्शन नंबर ए युगांडा। और युगांडा का कैपिटल है कंपाला। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए GI टैग दिया गया है? इसका सही आंसर है कोल्हापुरी चप्पल। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। और कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण चमड़े से कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण किया जाता है। और यह चप्पल हाथ से निर्मित की जाती है। और जीआई का फुल फॉर्म हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत के 21 शहरों में जल स्तर की कमी होने की बात कही गई है? इसका सही आंसर है 2020, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग द्वारा भारत में जल संकट पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 21 राज्यों में 2020 तक पानी की भीषण कमी हो जाएगी 21 राज्यों में 2020 तक। और नीति आयोग के प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और यानी कि अभी है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ की मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया है जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई है इसका सही आंसर है
ईरान, ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान ने अमेरिका के जासूसी ड्रोन को सामरिक रूप से अहज हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मार गिराया। और ईरान का कैपिटल है तेहरान। और यहाँ का करेंसी है ईरानियन रियाल। ईरान का करेंसी है। अगला क्वेश्चन, लोमड़ी जैसे दिखने वाली बिल्ली कैट फॉक्स की एक नई प्रजाति हाल ही में किस स्थान पर पाई गई है? कैट फॉक्स, इसका सही आंसर है उत्तरी कॉर्सिका। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कॉर्सिका। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बिल्ली अब तक की अज्ञात प्रजातियों का हिस्सा है। संभवतः यह हजारों साल पहले अफ्रीका या मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई थी। और इन्हें चैट रेनार्ड या फिर कैट फॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 22 जून का करंट अफेयर।